नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A33 2020 वर्सेस Vivo Y12 Grams का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A33 2020 में 6.45 इंच जबकि Vivo Y12 Grams में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A33 2020 में 2.96 इंच जबकि Vivo Y12 Grams में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A33 2020 में 186 ग्राम्स जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A33 2020 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A33 2020 में 6.5 इंचेस जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A33 2020 में 82.87% जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में 81.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A33 2020 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y12 ग्राम्स की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A33 2020 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y12 ग्राम्स की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A33 2020 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Vivo Y12 ग्राम्स में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Oppo A33 2020 में Adreno 610 जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में Adreno 505 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A33 2020 में Qualcomm Snapdragon 460 और Vivo Y12 ग्राम्स में Qualcomm Snapdragon 439 मिलता है। बात करें RAM की तो Oppo A33 2020 में 3 GB की RAM मिलती है जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A33 2020 में 32 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Oppo A33 2020 में Android V10 क्यू जबकि Vivo Y12 ग्राम्स में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A33 2020 में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ ₹9,990 में मिल जाता है। वही अगर बात करें वीवो Y12 ग्राम्स की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ ₹10,990, 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹11,990 में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो A33 2020 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 9 प्राइम है जो कि ₹12,499 में मिलता है। दूसरा वीवो Y20 है जो कि ₹13,989 में मिलता है। तीसरा टेक्नो पोवर है जो कि ₹12,499 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y30 है जो कि ₹14,990 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।